बात करें रिनाला खुर्द के नवाही इलाके में गुज़िश्ता 4 साल से बिजली का ट्रांसफार्मर ना लग सका। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मुजाहरीन के मुताबिक मुतादिद बार कंप्लेन की मगर वाबडा मुलाजमीन मुबैना तौर पर 30,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज ताहिर महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त रिनाला खुर्द के नवाही गांव 33वां नल में, यहां पर आपको मैं बताता चलूं कि यहां पर वाबडा अहलकार की नाहली का मुंह बोलता सबूत ये सामने आया है कि उन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए यहां पर बिजली के पोल जो है नसब कर दिए हैं। बाकायदा तौर पर वायर्स भी उनका कनेक्शन कर दिया है, मगर अफसोस यहाँ पर अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया और एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर लाइट की सहूलत मौजूद नहीं है। मकामी लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है। जी बाबा जी बताइए। ये जी तकरीबन 4 साल से पोल लगे हो गए और हम भी जब भी जाते हैं कहते हैं पैसे दो पैसे दो, 30,000 की डिमांड करते हैं और हम पे गरीब आदमी हम कहाँ से पैसे दें उनको। कौन डिमांड करता है आपसे इस पैसों की और कितनी डिमांड कर रहे हैं? ये लाइन मैन है जो भी है जो जिससे भी हम मिले वो कहते हैं पैसे दो तो उसके बाद हम कल लगा देते हैं पैसे। अब हम कहाँ से लाएं, कितने पैसे मांगते हैं? 30,000 की डिमांड करते हैं, 30,000 कोई 40,000 मांगता है। 4 साल से हम इस मुबतला हैं इस मुसीबत। आपकी बस्ती में इस वक्त लाइट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे तो पढ़ने से बच्चे आवाज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनका मौकफ जाना, इनका कहना है कि इस दौरे जदीद में भी देख लें कि अभी तक हमारे जो बस्ती में है वो लाइट नहीं है। हमने मुतअद्दिद बार इनको कंप्लेन भी की है मगर अफसोस कि वाबडा अहलकार पैसों की। ताहिर महमूद, तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट।